हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो गाइज, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, मेरा जो ये ब्लॉग है तो कुछ इस तरीके से है कि मैंने सोचा कि मैं ना अपना मॉर्निंग में, सर्दियों में मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या होता है, कैसा होता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो ना क्या होता है कि सर्दियों में अगर मैं डायरेक्टली एकदम से बाहर निकल के और ये सब काम करने लगती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है। सो उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा बचाव भी अपने आप की करनी पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में अगर हम बीमार हो गए तो फिर तो सारा काम ही बंद हो जाना है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, अपने फेस को मैं इस तरीके से कवर कर लेती हूँ, स्पेशली नाक को। अब इस टाइम सारा काम ख़त्म करते करते टाइम हो गया है, कम से कम 7:30 के आसपास बज चुके हैं। और ये आप देख सकते हो मेरी पूजा पाठ हो गई है। सबसे पहले मैं बाहर जल चढ़ाती हूँ भोलेनाथ को, और यहाँ पे ये आप देख सकते हो फूल वगैरह लगे हुए हैं, तो इनको मैं अच्छे से पूजा करके और फिर भोलेनाथ को अर्पण करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो दिशु रेडी हो रही है, और जब तक मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ तब तक ये खुद से ही रेडी हो जाती है। और सर्दियों का टाइम है तो नहाती तो है नहीं, मतलब वीक में एक या दो बार ही नहाती है। सर्दियों में ना इसको बड़ा रहता है, पानी से बड़ा वो करती है, सुबह सुबह इतना टाइम मिल नहीं पाता। जैसे मैं गर्म कर देती तो उसे नहा लेती है, वरना फिर नहीं नहाती है। और दिशु वहाँ रेडी हो रही है, और यहाँ आप देख सकते हो मेरा और भी जो भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ बची है तो वो सब चल रही है, और कुछ इस तरीके से। और मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे मैं कोचिंग वगैरह पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पूरे घर में अच्छे से जो भी मतलब भगवान जी हैं उन सबको एक बार मैं पूरे घर में आरती घुमानी चाहिए ऐसा बोला जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो भी भगवान जी हैं उन सबको आरती घुमाती हूँ, और ये सूर्य देवता को भी मैं आरती घुमाती हूँ, और उसके बाद ये फिर भोलेनाथ को। और आप देख सकते हो गार्डन में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शांति होती है, और मौसम तो काफ़ी ठंडा है उसके। और ये मैं आ चुकी हूँ किचन में, सबसे पहले मैं पूजा पाठ करने के बाद बनाने वाली हूँ किचन में चाय। और चाय बनाने के लिए आप देख सकते हो ये मैंने पतीले में चाय चढ़ा दी है, और एक बार चाय बन जाएगी उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। सो आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी की पूड़ियाँ। तो उसके लिए मैं गार्डन से फ्रेश मेथी तोड़ने के लिए आई हुई हूँ। हमने थोड़ी सी दिखाया था ना उस टाइम पे, मैंने वीडियो शूट किया था, मेथी लहसुन और हरा धनिया वगैरह उगाया हुआ हमने गार्डन में, तो मैं फ्रेश ही मेथी लेकर जाऊँगी। इसकी पूड़ियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं, मतलब जो बाजार के हम लेके आते हैं ना तो ऐसे लगता है घास फूस है, बट अगर आप इसकी पूड़ियाँ खा लेंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेथी की पूड़ियाँ बनाने के लिए मैं मेथी अच्छे से तोड़ लूँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा काम चल रहा है, ये आप देख सकते हो। मेथी को पहले क्या करना है, अच्छे से धो के साफ कर लेना है, फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है, मतलब कट कर लेना है। और क्योंकि मैंने ना जल्दी जल्दी तोड़ा था तो इसीलिए थोड़े थोड़े उसकी मोटे मोटे नीचे के वो भी आ गए थे, तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्लीन करने में। अदरवाइज़ अगर आप पत्तियाँ तोड़ते हैं तो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है कट करने में।
और इसके बाद मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ हल्की सी अजवाइन और नमक, बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती। ऐसे कई कई लोग तो सब्जी मसाला, लहसुन कूट के और ये सब भी डाल सकते हैं, बट मैं वो सब नहीं डालती, मुझे ज़्यादा फिर अच्छा टेस्ट नहीं लगता है, सिंपल मेरे को ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैं इसके लिए मैंने आटा गूंद के रख लिया है। इसके बाद अब मैं थोड़ी थोड़ी करके पूड़ियाँ फ्राई करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनने लगी हैं और ये बहुत ही अच्छी फूल रही थी, ये आप देख सकते हो। इसके बाद अब मैं दिशु को ब्रेकफास्ट देने वाली हूँ, और मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी रहती है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही जल्दी रहती है, क्योंकि इसी टाइम मेरा भी सब कुछ काम रहता है, मुझे अपना भी टिफ़िन रेडी करना होता है, बच्चों का टिफ़िन। हालाँकि दिशु तो खुद से रेडी हो जाती है, बट डुब्बू को रेडी करना पड़ता है। अब पूड़ियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं और या मैं दिशु का फटाफट टिफ़िन पैक कर दूंगी, क्योंकि एक बार इसका थोड़ा ना जल्दी रहता है, 8:15 इसकी वैन आ जाती है, सो उसके लिए उस टाइम पे ही इसे प्रिपेयर करना होता है। सो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।